I hope and I wish to God you all are be fine. I'm Digvijay Singh. I will teach you maths of class 10th topic. A pair of linear equations in two ways. That is the revision criteria. You have to understand that ये revision का matter चल रहा है और अब इसमें fact to fact पढ़ना है. अब तक आपने hard practice की, अब smart practice करना है ताकि number gain कैसे हो. सबसे पहला काम करिए, वन मार्क्स के क्वेश्चन अच्छी तरीके से ट्रीट कर जाइए, एग्जाम्पलर से, चाहे एनसीईआरटी से, चाहे किसी भी बुक से, ताकि ये आपको आदत मिल जाए कि वन मार्क्स के क्वेश्चन कैसे कोई पूछ सकता है. तो इस चैप्टर में वन मार्क्स के क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, कि जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा कि कॉन्सिस्टेंट है कि इनकॉन्सिस्टेंट. पिछले वीडियो में मैंने इस बारे में चर्चा किया था कि ये कॉन्सिस्टेंट है कि इनकॉन्सिस्टेंट है. जैसे 5x माइनस है, दो तीन इक्वेशन से लिख रहा हूं एनसीईआरटी के ही, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 8 या माइनस 8 कर लीजिए, ओके, और 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 9. ये इक्वेशन में ले लिया, इक्वेशन ले लिया, पूरा 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 और ले लिया 18x प्लस 6y इज इक्वल टू 24, फिर ले लिया 6x माइनस 3y इक्वल टू 10 और दूसरा ले लिया 2x माइनस y इज इक्वल टू 9. तो ये इक्वेशन जो लिया गया है, अब आपको बताना है कि ये कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है. दो चीज बताना है, ये कॉन्सिस्टेंट है कि इनकॉन्सिस्टेंट. तो बेटा थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, तीन कंडीशन हमने बताई थी, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और दूसरी कंडीशन बताई थी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, और तीसरी कंडीशन बताई थी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो इन तीन कंडीशंस को आपको अपने दिमाग में रखना है. क्वेश्चंस आ सकता है इस पर, क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ यू फॉर द इक्वेशंस हैविंग मेनी सॉल्यूशंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ यू फॉर द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशंस, बी केयरफुल. तो इसमें क्या होता है, ये और ये होता है यूनिक सॉल्यूशन, ये होता है मेनी सॉल्यूशन, और ये होता है नो सॉल्यूशन. अगर हम ग्राफिकल रूप में देखें, ये होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस. किसी भी लीनियर इक्वेशन का जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन जाती है, ये होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये होगा कोइंसिडेंट लाइंस, और ये होगा पैरेलल लाइंस. तो दिस क्राइटेरिया विल बी क्लियर बाय यू ऑल, ये जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन कोई भी ले, इक्वेशन दे दिया. पहले हम ये बताएं कि ये कॉन्सिस्टेंट है कि इनकॉन्सिस्टेंट. क्वेश्चन ये कह रहा है कि आई एम कंपेयरिंग दिस, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग अ पॉइंट आर पैरेलल आर कोइंसिडेंट. तो पैरेलल है कि कोइंसिडेंट, यानी क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब इन इक्वेशंस का हम ग्राफ ड्रा करेंगे, नॉट नीड टू ड्रा द ग्राफ, इसमें ग्राफ ड्रा करने की जरूरत नहीं है, बस वो फैक्ट पूछ रहा है कि जब हम इन इक्वेशंस का ग्राफ ड्रा करेंगे तो वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी कि पैरेलल लाइंस होंगी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, किस प्रकार की लाइंस होंगी. तो दिस क्राइटेरिया यूज्ड बाय, अब कैसे यूज करना है इसको हम हटा दे रहे हैं, एक एक करके हम देख रहे हैं. फॉर दिस इक्वेशन लगाएंगे कैसे, इसको कंपेयरिंग, अगर इसको हम आपको ऐसे लिखें 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं इसमें,
या तो ऐसे ही रहने दीजिए, अगर ये माइनस है तो सीवन पॉजिटिव हो जाएगा, इधर आके पॉजिटिव सीवन नेगेटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस बाई ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो कंपेयरिंग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए वन की वैल्यू फाइव हो जाएगी, ए टू की वैल्यू सेवन, बी वन की वैल्यू माइनस फोर हो जाएगी और बी टू की वैल्यू सिक्स हो जाएगी, सी वन की वैल्यू एट हो जाएगी, सी टू की वैल्यू माइनस फाइव, ये वैल्यू निकालना है। अब इसके बाद ए वन अपॉन ए टू निकालेंगे आप फाइव अपॉन सेवन, बी वन अपॉन बी टू निकालेंगे माइनस फोर अपॉन सिक्स यानी माइनस टू अपॉन, वैसे भी इक्वल नहीं तीसरा निकालने की जरूरत नहीं, जब इन्हीं दोनों में ये रहे देयरफॉर ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी देयरफॉर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स जब इन इक्वेशंस का ग्राफ ड्रा होगा, व्हेन यू ड्रा द ग्राफ ऑफ दीज इक्वेशंस, इन इक्वेशंस का जब ग्राफ ड्रा होगा तो जो दो लाइन होंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू के इक्वल नहीं, यानी ए वन ए टू का रेशियो बी वन बी टू के रेशियो के इक्वल नहीं, ध्यान रखिए। तो इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, इसको क्रॉस कर देते हैं, देखिए, और अब लिखेंगे ये कॉन्सिस्टेंट, इसे दूर से बता देते क्या लिखेंगे, इसको कॉन्सिस्टेंट लिखेंगे, ये क्या होगा, इक्वेशन जो होगा वो कॉन्सिस्टेंट में होगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, नाइन एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल, ऐसे लिखे कोई दिक्कत नहीं, एटीन एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल टू ट्वेंटी फोर, तो कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस विथ ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई, अब देखिए ये अंदर आएगा तो माइनस हो जाएगा, सी टू नेगेटिव, अगर ये प्लस में इक्वल के बाद प्लस में इधर आके माइनस हो जाएंगे, तो ए वन इक्वल टू नाइन, बी वन इक्वल टू थ्री और सी वन इक्वल टू माइनस ट्वेल्व, ए टू इक्वल टू एटी, बी टू इक्वल टू सिक्स और सी टू इक्वल टू माइनस ट्वेल्व। अब आप निकालेंगे पहले ए वन अपान ए टू, नाइन अपान ए टू, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया वन अपान टू, बी वन अपान बी टू, थ्री अपान सिक्स यानी वन अपान, तो दोनों इक्वल आ गए ना, सी वन अपान सी टू निकालेंगे, माइनस ट्वेल्व अपान माइनस ट्वेंटी फोर यानी वन अपान, देयरफॉर ए वन अपान ए टू इक्वल टू बी वन अपान बी टू इक्वल टू सी वन अपान सी टू, देयरफॉर मेनी सॉल्यूशंस यानी कोइंसिडेंट, क्या हो जाएगा ये, कोइंसिडेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा ये, कोइंसिडेंट लाइंस, और ये होगा कॉन्सिस्टेंट, अगर इसको कॉन्सिस्टेंट इनकॉन्सिस्टेंट पूछ रहा है तो कॉन्सिस्टेंट होगा, क्योंकि मेनी सॉल्यूशन तीनों इक्वल होगा तो मेनी सॉल्यूशन, और जब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो कोइंसिडेंट लाइन, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन डांस करेगा, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन डांस करेगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्राइटेरिया निकल गया, तो ये इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन लेते हैं जो लास्ट वाला, देखो इसको हम यहां लिख देते हैं, कोई वो नहीं है, सिक्स एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू टेन, टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू नाइन, कंपेयरिंग करेंगे इनको मिटा दे रहा है, देखो ए वन सिक्स है माइनस थ्री है और ये माइनस टेन है, अंदर जाएंगे ये माइनस टेन है, ये टू है ये माइनस वन है और ये माइनस नाइन है। अब देखिए ध्यान से, पहले ए वन अपान ए टू निकालेंगे, सिक्स अपान टू यानी थ्री अपान टू, बी वन टू निकालेंगे माइनस थ्री अपान माइनस वन यानी थ्री अपान टू,
जब a1 a2 b1 b2 का रेशियो सेम हो तो c1 अपॉन c2 निकालेंगे। c1 c2 क्या है, लेते हैं यहां से c1 क्या है -10 और ये -9 यानी 10/9 यानी यहां पे है बेटा ये देखिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 क्या हो जाएगा ये पैरेलल लाइंस यानी तब ये होगा इनकॉन्सिस्टेंट क्या होगा ये इनकॉन्सिस्टेंट ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन अराइज होते हैं आप चाहे तो ईमानदारी से लगा सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन आपके ऑब्जर्वेशन में आते हैं पक्का आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। हाँ अगर लगाने के लिए आ रहा साल को आपको ऐसे करना है और अगर एमसीक्यू में आ रहा है तो कोई जरूरत नहीं बस आपका अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है सर आ गया तुरंत रफली कर लीजिए आप कोई दिक्कत नहीं बट माइंड सेटअप होना चाहिए। अब इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे आ सकते हैं बेटा क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं दे सकता है कि कॉन्सिस्टेंट है कि कॉन्सिस्टेंट है। अब कॉन्सिस्टेंट में क्या है दो आते हैं यूनिक सोल्यूशन और मेनी सोल्यूशन। जब यूनिक सोल्यूशन आएगा तभी हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के तीन मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है वो ओबिडाइसम है तो दो मेथड आपको पढ़ना है एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन उसको हम लोग चर्चा करेंगे। पहले इस पर कुछ क्वेश्चन आते हैं फाइंड द वैल्यू आपके फॉर विच द इक्वेशन है मेनी सोल्यूशन फाइंड द वैल्यू आपके फॉर विच द इक्वेशन है नो सोल्यूशन। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन को करना है आपको ठीक है। हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं क्वेश्चन बहुत तरीके से आ सकते हैं। देखिए लगाते हैं क्वेश्चन एक क्वेश्चन लेते हैं और तरीका आपको बता देते हैं कैसे क्या करना है या फिर इस वीडियो बताएं 12 मिनट की वीडियो तो हो ही गई है। तो अब ये चीज हम आपको बताएंगे जैसे एक इक्वेशन मान लीजिए kx कुछ भी इक्वेशन है k के फॉर्म में है कुछ भी है ले लेते हैं एक इक्वेशन कि 2x + 3y = 7 2x plus 3y is equal to 7 और a minus bx plus a plus 3y a minus b into x plus a plus b into y equal to 2k plus equal to 3a plus b minus 2 3a plus b minus 2 ये questions हैं a minus b into x plus a plus b into y equal to 3a plus b minus 2। तो question कह रहा है कि for which value of a and b does the following pair of linear equations have an infinite number of solutions। तो comparing these equations with a1x plus b1y is c1 is equal to 0 a2x b2y plus c2 equal to क्योंकि a भी दिया हमने कैपिटल ले लिया a1 is equal to 2, b1 is equal to 3 और c1 is equal to -7 हो जाएगा। a2 is equal to a minus b, b2 is equal to a plus b और c2 is equal to minus यह ठीक है। तो इक्वेशंस है मेनी सोल्यूशन देयरफॉर a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2। तो अब आराम से आप कर सकते हैं a1 की वैल्यू क्या है 2 और a2 की वैल्यू क्या है a minus b, b1 की वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू है a plus b और ये है -7 upon -3a plus b minus 2 ये minus minus करते हैं पर इनको इनको साफ कर देखिए 2 upon a minus b equal to 3 upon a plus b सॉल्व कर लीजिए 2a plus 2b equal to 3a minus 3b 2a minus 3a equal to minus 3b minus 2b plus 2b जाके minus 2b यानी हो जाएगा minus a equal to minus 5b यानी a equal to 5। अब इसको ले लीजिए 3 upon a plus b equal to 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2 चाहे इसको इसको ले ले कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9a + 3b - 6 = 7a + 7b। जा देखिए 9a - 7a + 3b - 7b = -6 जाके प्लस 6 हो जाए 9 - 7 2a और -4b = 6 होगा। a की वैल्यू 5b है 2 × 5b - 4b = 6 तो 10b - 4b = 6 लिख लेंगे a = 5b तो 6b = 6 तो b की वैल्यू क्या होगा ये b है 6/6 यानी b की वैल्यू हो गई 1। b की वैल्यू 1 हो गई कोई दिक्कत नहीं है। a की वैल्यू 5b है एक वैल्यू 5 × 1 = 5 हो गया आपके पास ये आपका आंसर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है क्वेश्चंस कोई चीज बड़ी नहीं। हाँ लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी या फाइंड द वैल्यू कभी कभी के देता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर द इक्वेशंस हैव मेनी सॉल्यूशन या इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन आएगा तो a1 / a2 = 0 / b2 ≠ 0 / b2 इन्हीं दोनों का कंपेरिजन निकाल लेते हैं। इस पर क्वेश्चंस और हम लगाएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए करवाते रहिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए जानदार शानदार जबरदस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज के साथ। तब तक थैंक यू।